बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखें, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। आज की वीडियो एक बड़ी खूबसूरत दुआ के बारे में है। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम एक सजदा करने के बाद बड़े सुकून से बैठ जाते, ये दुआ पढ़ते और फिर अगले सजदे में चले जाते। ये जो सजदे के दरमियान में बैठना है, इसको जलसा कहा जाता है। और नबी पाक कभी तो पहला सजदा, जलसा और दूसरा सजदा, इन तीनों का टाइम एक जितना होता था। और कभी कभार तो जलसा आपका इतना लंबा हो जाता था कि लोग समझते थे कि शायद आप अगले सजदे में जाना ही भूल गए हैं। ये दुआ मुख्तलिफ तरह से लिखी गई है। कई जगह पे लिखा है सिर्फ रब्बिग़फ़िरली, कहीं पे लिखा है अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वाहदिनी वरज़ुकनी। बहरहाल कई जगह पे इस दुआ को ऐसा लिखा गया है, अल्लाहुम्मग़फ़िरली, ए मेरे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, वरहमनी मुझ पर रहम फरमा, वजबुरनी मेरा नुकसान पूरा फरमा दे, वआफ़िनी मुझे आफ़ियत दे, वाहदिनी मुझको हदायत दे, वरज़ुकनी मुझे रिस्क अता फरमा, वरफानी मुझे बुलंदी अता फरमा। माई डियर व्यूअर्स, आपकी नमाज ही आपकी मेडिटेशन है। नमाज को इतने एहतराम से पढ़ें, इतने एहतराम से पढ़ें कि नमाज को पढ़ने के बाद शायद आपको किसी मेडिटेशन की ज़रूरत ही ना रहे। ये जो अल्फाज हैं, इनको रट्टा लगा के पढ़ने के बजाय पूरे एहतराम से पढ़ें, इनके मतलब पे गौर करें। ये अल्फाज आप अपने परवरदिगार के दरबार में अर्ज़ कर रहे हैं, वहाँ पेश कर रहे हैं। इन अल्फाज के कबूल ना होने में ज़रा सा भी शक ना रखें। मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार आपको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले, आप पर अपनी रहमतें निछावर कर दे, आपसे राज़ी हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।